Good morning and welcome to Morning Desk. भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है इन किताबों में। किताबों से याद आया, आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी कलम से किताबों में लिख दिया मोहब्बत, अपने अल्फाजों से कह दिया मोहब्बत। तो प्लीज वेलकम कीजिए नॉटी नूरा। सलिया, आप किस तरह बैठे? ये नूरा का स्टाइल है। नॉटी नूरा अपने हाथ हमेशा खुले रखता है ताकि कोई भी बेचारी लड़की आए और नूरा उसे झट से पकड़। ओके, मूविंग ऑन। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी शायर होता है, आर्टिस्ट होता है, सिंगर होता है, वो अपनी उस मकाम पे तभी पहुंचता है जब उसे मोहब्बत में कोई चोट लगती है। तो क्या आपको भी मोहब्बत में चोट लगी है? मैं भी एक इंसान हूँ और हर इंसान की तरह मुझे कई बार मोहब्बत हुई है। कई बार? मेरी पहली मोहब्बत कॉलेज के जमाने की थी। सारी मोहब्बतें कॉलेज के जमाने में शुरू होती हैं। मैंने कॉलेज में एक लड़की को देखा, उसे देखते ही मेरे मुंह से ना चाहते हुए भी ये अल्फाज निकल आए कि तेरी जुल्फें जो गिरती हैं जमीन पे यूं, तेरी जुल्फें जो गिरती हैं जमीन पे यूं, उठा ले पगली मिट्टी लग जाएगी। मिट्टी लग जाएगी? वो लड़की मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। उसे बहुत अच्छा लगा कि नूरा उसे धूल मिट्टी से भी बचा के रखना चाहता है। बड़ा अनयूजुअल रिलेशनशिप था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, मैं सिंगल। नॉटी नूरे को सिंगल लोगों से नफरत है, बड़ी ही डेस्परेट सी वाइब देते रहते हैं। क्यों ना आज मैं तुम्हें लड़की फंसाने का तरीका सिखाऊं? ठीक है। लड़की फंसाने के तीन तरीके। पहला तरीका है उसे अपनी नजरों से घायल करना। सोबर और पढ़ी लिखी लड़कियों को यह लुक बहुत अच्छा लगता है। दूसरा तरीका है बॉडी लैंग्वेज। इससे वो लड़की एक बार जरूर आएगी ये पूछने कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और तीसरा तरीका, अपनी आवाज की चाशनी का इस्तेमाल करके। यूं अकेली क्यों खड़ी हो जमाने में, यूं अकेली क्यों खड़ी हो जमाने में, आओ ना मेरे पास बैठो। इन स्टेप्स का सक्सेस रेट क्या है? 100%। बस इंसान को अपनी सोच बड़ी रखनी पड़ती है। ये सब स्टेप्स नूरा अपनी जिंदगी आजमा चुका है और बहुत सी लड़कियां फंसा भी चुका है। सर, मुझे आवाज की चाशनी के बारे में कुछ और बताइए। आप तो शायर हैं, एक आम आदमी किस तरह ये बातें कर सकता है? देखो, शायरी के लिए इंसान के अंदर सिर्फ अकल होनी चाहिए। तुम मुझे कोई भी मोहब्बत का किस्सा सुनाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आवाज के रंग कैसे खुलते हैं। ठीक है सर। तो ये किस्सा ना मेरे दोस्त का है, तो क्या वो हम लोग अपने मैट्रिक का लास्ट पेपर दे के अपने सेंटर से बाहर निकले तो वो लड़की जो थी ना वो बाइक पे बैठ के अपने भाई के साथ। मोहब्बत को मत बिठाओ बाइक पे, मोहब्बत को मत बिठाओ बाइक पे, जरा सी शर्म करो उसको एक गाड़ी ले दो। आगे? हाँ, तो वो गाड़ी में बैठ कर जा रही थी, तो हमने क्या किया, हम मैं दोस्त ने अपनी बाइक स्टार्ट की, मैं उसके साथ पीछे बैठा और हमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो हम पीछा कर रहे थे तो वहां पर सिग्नल आ गया, उसकी गाड़ी आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। मोहब्बत के पीछे पीछे चल दिए हम यूं, मोहब्बत के पीछे पीछे चल दिए हम यूं, कमबख्त बीच में ये सिग्नल आ गया। चलो आगे आगे। तो जो उसकी गाड़ी थी वो तंग गलियों में घुस के मोड़ काटने लग गई। गाड़ी तंग गलियों में कैसे घुसी? सर, ओरिजिनली तो बाइक थी। ओह या, आई फॉरगॉट, सॉरी, कंटिन्यू।
तो तंग गली में उसने कई मोड़ लिए, तो उसके बाद उसकी गाड़ी रुकी, वो गाड़ी से बाहर निकली, उसने मेरे दोस्त की तरफ देखा, हंसी और अपने घर के अंदर चली। तेरी नजरों से हमें यूं देखना, तेरी नजरों से हमें यूं देखना, खुदा की कसम जान ही ले गया। आगे मैं आपसे पूछना चाहता था कि लेट नूरा डू द टॉकिंग। देखें, नूरा सिर्फ एक शख्स नहीं है, नूरा एक ब्रांड है। जब वैलेंटाइन पर लड़कियां चॉकलेट मांगती हैं तो वह कहती हैं कि मुझे नूरा चॉकलेट चाहिए। नूरा चॉकलेट। जब लोग अपनी क्यूट क्यूट सी गर्लफ्रेंड्स के लिए टेडी बेयर्स लेते हैं तो वो कहते हैं मुझे नूरा बेयर दे दो। और जब बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को छुपा के रेस्टोरेंट ले जाते हैं तो उनका एक ही ऑर्डर होता है, नूरा चिकन खाना है। नूरा चिकन, ये क्या हो रहा है? नूरा के पीछे हजारों लड़कियां पागल हैं। एक लड़की मेरे पास आई, कहती नूरा मेरे होके रह जाओ, तो मैंने कहा हट पगली। ये वही लड़की है जिसने आप पे हैरेसमेंट का केस किया था। अब मोहब्बत के काम में हाथ तो लाल होंगे ही ना। एक और लड़की मेरे पास आई, कहती नूरा मेरे हो जाओ नहीं तो मैं जान दे दूंगी। तो क्या हुआ लड़की से? मर गई बेचारी। सर ये सुसाइड केस बनता है आप पे? नूरा की मोहब्बत बहुत खतरनाक खेल है। नूरा मोहब्बत लेता और देता है जहां से भी मिल जाए। गलियों में मोहब्बत, बाजारों में मोहब्बत। एक मिनट, ये मैंने कहीं सुना हुआ। हैंगने में मोहब्बत। नूरा नहीं, सॉरी, आलम साहब की याद आ गई थी। आप आलम साहब को कैसे जानते हो? आलम साहब हमारे बहुत बड़े टीचर हैं। That explains a lot. यार इसको कैसे भगाऊं? सर वो देखे लड़की। ओए लड़की, नूरा से बच के कहां जाओगी? आज के एपिसोड यहीं खत्म होती है। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। साइनिंग ऑफ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।